राष्ट्रवादी के नए शहर अध्यक्ष पे उठे सवाल। पुराने शहर अध्यक्ष भूषण पीसे का कहना है कि अधिकृत पार्टी की तरफ से कुछ भी संदेश या लिखित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए नए राष्ट्रवादी शहर अध्यक्ष वो सही में है क्या, ये सवाल उन्होंने उठाया है। पक्ष में शहर अध्यक्ष में बदलाव की प्रक्रिया जिला अध्यक्ष की है तो उसकी जानकारी मुझे जिला अध्यक्ष देना था और मुझे विश्वास में लेना था। संबंधित प्रक्रिया की जानकारी अभी तक मेरे पास नहीं है, तब नए राष्ट्रवादी के शहर अध्यक्ष बने हैं ये जानकारी वर्तमान पत्र में देखी है, लेकिन पार्टी की ओर से लिखित या जुबानी कुछ भी संदेश प्राप्त नहीं है, तब पार्टी का प्रसिद्धि शहर अध्यक्ष रहने की बात कही। संबंधित प्रकरण में वरिष्ठों से बात करने की बात कही गई। इस प्रकार से पार्टी में काम होते हैं, पैसे वालों को पद वाटप होने की प्रक्रिया होती है, तब पार्टी किस ओर जारी है जनता के ध्यान में आ रहा है, इससे जनता में गलत संदेश जा रहा है। इस प्रकरण में शहर इस प्रकार की चर्चा होती दिख रही है कि शरद पवार का जन्मदिन था, तब कुछ जाहिराता के फंडिंग के रहते तो शहर अध्यक्ष को कुछ दिनों के लिए नियुक्त किया गया हो। संबंधित व्यक्ति की शहर राष्ट्रवादी में कभी सक्रिय भूमिका नहीं दिखी। बीजेपी छोड़ के विधानसभा चुनाव के वक्त राष्ट्रवादी में आए उनका पार्टी के विस्तार या पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं दिखे है, तब राष्ट्रवादी पार्टी में शहर में क्या चल रहा है जनता के समझ के बाहर होते दिख रहा है। शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस हिंगणघाट अध्यक्ष, मागील 1 ते 2 दिवसापासून जे चर्चा चालू आहे का कोणी एक व्यक्ती जे शहर अध्यक्ष झाले आहे, पण मला हेच कळलं नाही का मला कोणतेही वरिष्ठांकडून पत्र फोनद्वारे काहीही कल्पना नसतानी कोणतेही काही कळवलं नसतानी दुसरे शहर अध्यक्षपद कसे झाले, मी त्याला दुजोरा देत नाही आहो। सध्याच्या परिस्थितीत मी शहर अध्यक्ष आहे, दुसरे जे शहर अध्यक्ष झाले आहे त्यांना मी अजूनपर्यंत शहर अध्यक्ष आहे म्हणून मी काही मानत नाही, आणि जे अफवा पसरवण्यात येत आहे का मी शहर अध्यक्ष आहे मी शहर अध्यक्ष आहे असे कोणतंही अजून वरिष्ठांकडून मला किंवा पक्षांना कळवण्यात आलेलं नाही आहे। BCN न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवि येनोरकर की रिपोर्ट।